करते रहे। आज मुस्लिम लीग नून के कारकुनों, ये इलेक्शन का दौर है और तमाम जमातें अपने अपने उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दी है। हमारी जमात ने भी अपने अपने उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दी है और एक हल्के का एक ही उम्मीदवार हो सकता है। मैं आपको सलाम पेश करता हूँ कि आपने जमाती नवजात उम्मीदवारों के साथ जिस जज्बात और जिस जोश का मुजाहरा किया है, आप सब हमारी बात के बस नहीं के। मैं जैसे की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आज स्टेज पर हजारे क्या और मैं कोटली वालों आपको खराज तहसील पेश करता हूँ, इसलिए कि कुछ लोग कह रहे थे कि शायद तो बड़े लोग चले गए तो कोटली में मुस्लिम लीग का जलसा नहीं हो सकता, लेकिन मियां नवाज शरीफ के चाहने वाले कोटली में कोटली। और मैं ये भी वादा करना चाहता हूँ कि जो लोग किए थे वो आप पछता रहे हैं, वो मुझे टेलीफोन कर रहे हैं। तो मैं वक्त कम है, मैं कायदे मोहतरमा आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने आपने कारकुनों को टिकट दिया, आपने मियां नवाज शरीफ के चाहने वालों को टिकट दिया, आपने वोट के भेड़िए को इज्जत दे दो के साथ चलने वालों को टिकट दिए। और मैं चूंकि टाइम मुख्तर है इसलिए ये गुजारिश करना चाहूंगा कि इंशाअल्लाह ताला जब 25 जुलाई को शाम 4 बजेंगे तो सबसे जो इस वक्त मुश्किल मुकाबला है, जो सबसे मुश्किल मुकाबला है वो मेरे हल्के का है, जिसलिए कि जिस बंदे के खिलाफ मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ वो पिछले 7 इलेक्शन नहीं आ रहा, लेकिन मैं चूंकि मियां नवाज शरीफ का बयानिया लेकर चल रहा हूँ, मैं मरियम नवाज का बयानिया लेकर चल रहा हूँ, इसे 25 जुलाई को इंशाअल्लाह राजग्राम का जो रिजल्ट आएगा वो आपको हैरान और परेशान कर देगा कि लोगों ने मियां नवाज शरीफ को बयानिया को वोट दिया, लोगों ने मरियम नवाज शरीफ की कमिटमेंट का वोट दिया। चूंकि टाइम कम है तो मैं इसी में जाना चाहता हूँ।